एक शहर में एक व्यापारी रहता है जो जंगली जानवरों की व्यापारी करता है। इसी व्यापार के सिलसिले में वह शहर से लगे हुए घोड़े के अस्तबल में दो सुंदर घोड़े लाने के लिए चल पड़ता है। वहां जाके देखता है तो उसका मन बहुत ही खुश हो जाता है और देख के बोलता है, वाह क्या घोड़ा है। फिर वह व्यापारी तुरंत उस घोड़े को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों घोड़े को लेकर चल पड़ता है। दोनों घोड़े में से एक घोड़े को वही सड़क के किनारे लगे हुए अस्तबल में बेच देता है, फिर दूसरे घोड़े को शहर के दूसरे अस्तबल में बेच देता है। इस तरह वह दोनों घोड़े को बेचकर बहुत ही मुनाफा कमाता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि एक बहुत ही अनमोल चिता दूर घने जंगलों में रहता है, तो उसे लाने के लिए वह एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर बुलवाता है और हेलीकॉप्टर की मदद से वह उस अनमोल चीते को अपने एनिमल फार्म में मंगवाता है। फिर उसे एक दिन भनक लगती है कि एक बाघ शहर से लगे जंगल में चला आया है, तो उसे लाने के लिए वह अपनी ट्रक भेजता है। फिर उसके लोग उस बाघ को पकड़कर जंगल से होते हुए ओवरब्रिज के रास्ते से उस व्यापारी के फार्म में लाते हैं, लेकिन वह बाघ कुछ ही दिनों में बीमार होने लगता है। तो वह व्यापारी उस बाघ को लेकर शहर के बहुत चर्बी जानवरों के डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाता है। इस तरह वह व्यापारी होने के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति भी मालूम होता है। एक दिन उसको पता चलता है कि आसपास के जंगलों में एक विशालकाय हाथी आया है, तो उस हाथी को लाने के लिए अपनी प्राइवेट हवाई जहाज भेजता है और उस विशालकाय हाथी को अपने जू में लाता है। इसी तरह वह जंगलों से जंगली जानवरों को लाके अपना व्यापार चलाता है।